व्हाइट का जवाब नहीं। हाँ जी। अच्छा बिग लाइफ है, लाइफ होके नाउ अवार्ड्स है, तो आपको अगर कहा जाए कि कुछ बड़ा कुछ मांगने के लिए कहा जाए तो क्या बात है? हाँ जी। कुछ क्या बड़ा चाहिए? लाइफ होके अवार्ड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार माइथो शो कर रही हूँ। थोड़ा सा अलग होता है, मतलब फर्स्ट डे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अब सांस भी धीरे धीरे लेनी होगी, पर अभी क्योंकि मोहित है और मोहित इज़ अ फ्रेंड और वहाँ की टीम बहुत अच्छी है, नॉर्मल डेली सब जैसे लोग नहीं हैं, बहुत शांति रहती है वहाँ पर, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई प्रेशर है, तो इट्स डिफरेंट एंड इट्स नाइस और ऐसा लगता है कि मैं भगवान हूँ या देवी हूँ। और प्रेशर वाला आदमी तो अलग है बिल्कुल, माँ दक्ष पार्वती के पिता, पार्वती के पिता बिल्कुल अलग हैं अभी तो इस वक्त तो बिल्कुल ही। और फॉर्चुनेटली हर पार्वती के पिता यही है, तीसरी पार्वती पिता भी ये है। कंपैरिजन तो नहीं क्योंकि पार्वती का नाम ही, वो रोल ही इतना बड़ा है कि इट्स अ गॉडली नेम, उसमें कंपैरिजन एक्टिंग वाइज तो कुछ अब तक तो मुझसे कि सवाल किसी ने नहीं पूछा है, बट अदरवाइज तो मैं ऐसे सबको बोलती हूँ कि पार्वती के तो हज़ार रूप थे, उसमें से एक रूप में तीन हो गए, अब पता नहीं और कितने आएंगे। मेरा सती के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने के लिए। मोहित के साथ बहुत अच्छा रहा, महादेव के साथ मेरा कन्फ्रंटेशन बहुत था जिसमें सबसे ज़्यादा दक्षी बोलते थे, ज़्यादातर टाइम तो महादेव जी तो साइलेंट ही रहते हैं, एज यू नो भोलेनाथ हैं, हमेशा भोले बाली बन के खड़े रहते हैं और दक्ष हमेशा चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है, बहुत गुस्से में एग्रेसिवनेस उसके अंदर है। और ये रोल करके मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वॉज़ ए ग्रेट प्लेजर वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट। और मैंने ये नहीं सोचा था कि दक्ष इतना इतना अच्छा कैरेक्टर निकल कर आएगा देवों के देव महादेव में, और काफ़ी लंबे समय तक इसमें काम करने के लिए मिला मुझे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस शो में काम करना। मॉनसून में हम जब भी पहली बारिश होती थी, पहली बारिश तो नहीं दूसरी बारिश पे हम सब फ्रेंड्स मिलकर भीगते थे जैसा सब यूजुअली करते हैं, और हम टेरेस पे जाके बहुत नाचते थे गाते थे, तो वो सब तो बहुत करते थे। और हर साल हम भजिए चाय वगैरह, मीठी बाई में थी मैं बहुत खाती थी, पर क्योंकि इस बार पार्वती बनी हूँ इसलिए डाइट कर रही हूँ, इसलिए वो लाभ अब मुझे नहीं है। नहीं नहीं अब तो बजट जाएगा, अगर हर महीने आएंगे तो हर 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 महीने का बजट जाएगा, अभी जैसे आज मैंने देख लिया तो आज रात को ही बजट चला जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए।
तो मैं पार्वती बन गई, अब मैं सिर्फ महादेव के गुण गाऊंगी। सर भी गाएंगे तो है ना? कौन सा? आप जो लो आया सावन झूम के, ये आपके जमाने का है, मुझे नहीं पता। जिम 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 मैं और सर दोनों गा रहे हैं। मैं सिर्फ लिप सिंक करूंगा, ये गाएंगे। अरे ये लिप सिंक करेंगे, आवाज लड़की की आएगी। चलो चलो चलो। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम भीगी भीगी रुत में तुम